और चैप्टर नंबर 15 आ गया। चैप्टर नंबर 15 में टाइप्स ऑफ असेसमेंट, नॉर्मल, बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिए। असेसमेंट की टाइप्स के दरमियान में इसने लिखा हुआ एडजस्टमेंट टू बी मेड एंड डिक्लेयर्ड। सर इसको आप सिर्फ रीड ओनली कर दीजिए, ये जो दरमियान में है ना, ये जो मैंने आर लिखा हुआ है ब्रैकेट डाल के, सर ये रीड ओनली मटेरियल है, इसको अलहदा करके ऊपर वाला तैयार कीजिए नॉर्मल असेसमेंट, नीचे वाला तैयार कीजिए अगर इनकम्प्लीट होगी तो क्या होगा, बेस्ट जजमेंट को क्लेम कीजिए। जरूरी नहीं है ये पूरा ही सवाल पूछे, बेस्ट जजमेंट के अंदर भी पूछेगा किस केस में बेस्ट जजमेंट देनी है, तो शायद चार नंबर का ये पूछ ले, शायद ये पूछ ले कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब देते हैं तो होता क्या, प्रोसीजर क्या है, शायद ये वाला पूछ ले। प्रोविंशियल असेसमेंट इन सर्टन केसेस, प्रोविंशियल का मतलब होता है आरजी। सर ये दो बार पास पेपर में है, वो कहता है कंसील एसेट क्या होते हैं, और फिर वो पूछता है कि ना प्रोविजनल असेसमेंट के वाले से बताएं। सर जी ये आपको तैयार क्रैम ही करना पड़ेगा। सर उसके बाद डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रीड ओनली है, एविडेंस ऑफ असेसमेंट रीड ओनली है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में से भी तीन चार बार सवाल आ चुका है। सर इसमें खास तौर पे सवाल आता है कि असेसमेंट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब तक कर सकते हैं, ये वाला सवाल फिर आपको होता है एग्जामिनर का फेवरेट है। दूसरा ये सवाल आ सकता है कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब करते हैं, ये वाला सवाल, ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है और ये आपको आने चाहिए। प्रोसीजर क्या है, असेसमेंट ऑर्डर कब तक आता है, ये सारी बात है। सर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन काट दीजिए, ये रेलिवेंट नहीं है। और रिवीजन ऑफ असेसमेंट बाय कमिश्नर, अगर कमिश्नर रिवाइज कर दे और अगर चीफ कमिश्नर रिवाइज कर दे, ये दोनों छोटे छोटे एरियाज हैं, चार नंबर पांच नंबर की आ सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज वाला अलबत्ता काट दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। एग्रीड असेसमेंट नया नया ताजा ताजा आया, इससे पहले ये सिलेबस में शामिल नहीं था, सर इसको क्रैम जरूर कर लीजिएगा। सर इसके बाद बात करते हैं रिकॉर्ड की, तो मेरा भाई रिकॉर्ड के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 6 पॉइंट्स कॉमनर्स ले लीजिए, 5 ले लीजिए, वो हर एरिया के लिए तैयार कर लीजिए। रिकॉर्ड क्या होता है, ये वाला एरिया तो आपने रीड करना है, और इसके बाद क्रैम क्या करना है, सर 5 पॉइंट क्रैम कर लीजिए कि रिकॉर्ड किस किस चीज का किस किस केस में रखना है। सर जी अगली बात करने लगे हम ऑडिट, सर ऑडिट और स्पेशल ऑडिट पैनल पास पेपर में आ चुका हुआ दो बार, और इंपॉर्टेंट भी है स्पेशल ऑडिट पैनल, इसको तो क्रैम करना है। ऑडिट के वाले से ऐसा चाहिए है कि वो आपसे कोई स्पेसिफिक बात पूछ सकता है, चार नंबर पांच नंबर का वो ऑडिट के वाले से पूछ सकता है, तो यू शुड बी वेल इक्विप्ड। इसको तैयार करेंगे तो आपका सेल टैक्स में जो असेसमेंट ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट था वो भी साथ तैयार हो जाएगा, तो इसको एक ही बार क्रैम यहां से कर लीजिए। सर ये था जनाब हमारा पॉइंट चैप्टर 15 का, अब जरा आगे चलते हैं।